पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर मेरे संघ की औरतें और उसका हम क्या करेंगे पुनराभ्यास करेंगे। मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरणात्मक गद्य शैली में लिखा गया है, एक गद्य शैली में लिखी गई एक रचना है। अब आज हम इनका जो पाठ है उसका इन इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि आपने पढ़ा मेरे संघ की औरतें जो पाठ है उसमें आपने देखा कि लेखिका ने अपने साथ की जितनी भी औरतें हैं उनके घर में उन सभी का वर्णन किया है। पहले उन्होंने अपनी नानी को, फिर दापर दादी को, दादी को, माँ को, अपनी बहनों का, अपने भाई का, इन सब का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले लेखिका की नानी का व्यक्तित्व। लेखिका ने अपने परिचय में बताया कि लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सुना था। लेखिका ने बताया कि उनकी जो नानी है वह परदानसी पर्दे में रहने वाली औरत थी। कभी भी उसने अपनी इच्छा का इजहार या अपनी इच्छा और अनिच्छा को कभी भी किसी दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। उनके जो नाना थे, लेखिका के नाना, वो कैसे थे? वो अंग्रेजों के फरमादार थे, यानी अंग्रेजों की रहन सहन और उनके विचारों को अपनाने वाले थे। और यही सोचकर वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे बैरिस्ट्री करने के लिए। लेकिन जब वो वापस आए तो उनका जो सारा रहन सहन था वो सब कुछ बदल चुका था। वह उन्हीं के विचारों, उन्हीं के रहन सहन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन लेखिका की नानी का, नानी के ऊपर उनके इस तरह के व्यवहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें बहुत कम उम्र में अपने आप को किसी बीमारी के कारण मृत्यु के करीब पाया तो उन्होंने क्या किया कि वो एकदम मुंह जोर हो उठी और उन्होंने लेखिका के नाना से कहा कि वे जो लेखिका के नाना के परम मित्र हैं उनसे मिलना चाहती हैं, प्यारेलाल, जिनका नाम था प्यारेलाल शर्मा। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप मेरी बेटी का विवाह, यानी लेखिका की माँ का विवाह अंग्रेजों के फरमारदारों यानी उनके हुक्म पर चलने वाले हैं, उनके रहन सहन को अपनाने वालों के साथ नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती हैं। तो ये जो बात है वह उनके घर वालों को बड़ी अजीब लगी कि कैसे एक औरत जिसने कभी अपने मुंह पर कोई बात लाई नहीं, आखिरी समय में वो इतना मुंहजोर कैसे हो उठी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो लेखिका की नानी है वह उनके भी लेखिका के जीवन में, सॉरी, आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर होता है। अप्रत्यक्ष मतलब सामने न आकर उन्होंने अपने विचारों से, कि वो अपने मन में, उनके मन में क्या हुआ था, आज़ादी के प्रति जुनून था लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने लेखिका के जो नाना थे उनके, यानी उनके पति के का जो रहन सहन था उसके, उनका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और आखिर में उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, किसी बड़े रईस खानदान से और नाता रखने वाले और अंग्रेजों के रहन सहन को फॉलो करने वाले, अपनाने वाले लोगों से, लड़के से वह उनका विवाह नहीं करवाना चाहती थी। दूसरा है लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। लेखिका की जो माँ थी वह बड़ी ही नाजुक थी। इसके बारे में लेखिका की दादी ने कहा भी है कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और चीके पर टांग दी, यानी बड़ी ही नाजुक थी। और उन्होंने कहा कि अगर वो खादी की साड़ी पहन ले तो उनकी कमर चनका खा जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं किया, ना उन पर इतनी ममता दर्शाई, इतना सब कुछ, और न कभी वो गृह कार्य में, घर के कामों में इतनी दक्ष थी। इतना होने के बाद भी
जो लेखिका की माँ थी उनको घर में बड़ी ही इज्जत से देखा जाता था, उनके विचारों का बड़ी ही इज्जत की जाती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। यहाँ जो माँ है उनकी विशेषताओं, लेखिका की माँ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि लेखिका की माँ है वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वह कभी भी किसी दूसरे की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, कि जो बात गुप्त है, गोपनीय जिसे रखा जाता है, उसे गुप्त ही रखना है। इसी कारण उन्हें घर वालों का सम्मान मिला हुआ था। तीसरा है लेखिका की परदादी का स्वभाव। लेखिका की परदादी यानी जो लेखिका के पिता थे उनकी दादी का स्वभाव यहाँ पर बताया गया है कि लेखिका की परदादी का स्वभाव ऐसा था कि जैसे परमात्मा से उनका तार जुड़ा हुआ है, जिसे बेतार का तार कहा गया है। सभी जब उनकी पतोहु यानी बेटे पोते की बहू यानी लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने कहा कि वह पहली संतान के रूप में लड़की पाना चाहती है। और ऐसा ही हुआ, जैसे कि लेखिका की परदादी ने मन्नत मांगी और उधर से भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया हो। और ऐसा ही हुआ कि लेखिका की माँ ने जब पहली संतान को जन्म दिया तो वह लड़की के रूप में ही जन्म हुआ। तो इन बातों से पता चलता है कि जो लेखिका की परदादी थी उनका स्वभाव बड़ा ही सरल, सीधा और सच्चा था। वो उन्होंने कहा कि हमें संतान के रूप में लड़की चाहिए तो ऐसा लगता था कि जैसे भगवान से उनका नाता जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक तरह से ज़्यादा संचय नहीं करती थी। लेखिका ने बताया कि उनके पास यदि दो से अधिक साड़ियाँ होती थी तो वो एक दान में दे देती थी। यानी इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए उन्हें ज़्यादा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अधिक से ज़्यादा संचय नहीं करना, तो उसका यहाँ पर बताया गया है। तीसरा है चोर का रोचक किस्सा। ये भी हमने पाठ में पढ़ा है। चोर का रोचक किस्सा क्या है? चोर का रोचक किस्सा है कि एक बार लेखिका के घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ बारात लेकर लोग हैं, सारे बारात में जा चुके थे। जो औरतें हैं वो रात में रत जगा कर रही थी, रत जगा मतलब रात जागने की जो रस्म है उसे पूरा कर रही थी। सारे चारों तरफ गीत संगीत बज रहा था, गीत गाए जा रहे थे। उस शोर से बचने के लिए लेखिका की जो परदादी है उन्होंने क्या किया कि वो उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। नामी चोर का किस्सा सभी ने सुना हुआ था। चोर ने मौका पाकर हवेली में घुस गया और वह उसी कमरे में जाकर उसी कमरे में चला गया जहाँ परदादी सोई हुई थी। उसने धीरे से जब वो गाया तो उन्होंने चोर को पहचान लिया और कहा कि कौन है मुझे, लेखिका की परदादी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी ला के दो। तो उन्होंने कहा कि कुएं से पानी, कुएं का जो पानी होगा उसी से वो अपनी प्यास बुझाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कुएं पर जाना, लोटे का मुंह अच्छे से बांध लेना, हाथ अच्छे से धो लेना और कपड़ा छान कर पानी पिला देना। लेकिन अब चोर है वो सक पगा गया, बहुत अधिक डर जाता है। उसने कहा अब क्या करूं? तो उन्होंने आखिर में कहा कि मैं तो चोर हूं। तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम चोर हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले मुझे पानी पिलाओ। और पानी पिलाने के बाद उन्होंने कहा कि आधा पानी तुम भी हो और आधा पानी मैं पीऊँगी। पानी पीने के बाद हम दोनों एक ही लोटे से पानी पीने से माँ बेटे हुए। अब चाहे तुम चोरी करो और चाहे खेती करो। लेखिक दादी की ये बात सुनकर चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और वह चोरी छोड़कर खेती के कार्य में संलग्न हो गए। अगला है आज आज़ादी के जश्न में न जाना। जब चारों तरफ
आजाद दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा था, लोग जश्न में भाग ले रहे थे, उसी समय लेखिका क्या कर रही थी, कारमजोग का उपन्यास पढ़ रही थी। उन्होंने उस उपन्यास को एक ही लय में दो बार पढ़ दिया। तो ये था कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हमने चर्चा की। अगला है लेखिका के सामाजिक कार्य, कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में रहती थी जिसका नाम था बागलकोट। जब वो बागलकोट कस्बे में गई तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो पति पत्नी है वो अगर सिनेमा देखने भी जाते हैं तो वो अलग अलग दड़बों में, दड़बों मतलब अलग अलग कक्षों में, जैसे महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग, ऐसे दड़बों में बैठते थे। तो लेखिका को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि एक पति पत्नी होने के बाद भी वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ पर स्त्री और पुरुष में इस तरह का अंतर किया गया था। तो लेखिका ने क्या किया कि वहाँ पर जो लिंग भेद था दोनों में, आपस में जो लिंग भेद था उसको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने रंगमंच तैयार किया, उस पर अलग अलग नाटक तैयार किए, और नाटक में क्या किया कि जो दूसरे स्त्री पुरुष थे उनको भी समीप लाकर यानी अभिनय करवाने के लिए उन्होंने अलग अलग पुरुषों को और अलग अलग औरतों को रंगमंच पर बुलाया और उनसे अभिनय करवाया। तो एक तो ये था, दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, उन्होंने वहाँ के क्रिश्चियन जो थे एक क्रिश्चियन स्कूल खोलने वाले थे, और उन्होंने कहा कि वो यहाँ के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हैं या आप उस स्कूल को मान्यता दिलवाएं। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि क्या ये स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए लेखिका ने क्या किया कि स्वयं एक स्कूल खोला और उसे जो कर्नाटक सरकार थी उससे मान्यता भी दिलवाई। तो लेखिका के ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदी कन्नड़ भाषा वाला एक स्कूल था जिसे उन्होंने पूरी शिक्षा दिलवाकर उससे मान्यता दिलवाई। तो ये थे लेखिका की नानी का व्यक्तित्व। पढ़ा हमने कि लेखिका की जो नानी थी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार अपनी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। दूसरा था लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन कैसे बीता, कि विवाह के उपरांत कि वो कैसे बिल्कुल नाजुक थी, उनकी दादी उनको धोई पोछी छीके पर डाल दी, यानी उनसे कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं करवाया जाता था। उन्होंने कहा भी है कि हम हाथी पे से हल नहीं जुतवाते, हम पे बैल है, यानी किसी से हम ऐसा कार्य नहीं करवाते हैं जो उसके लिए उचित अनुचित हो। तीसरा है लेखिका की परदादी का वर्णन हमने किया कि उन्होंने कैसे भगवान से मन्नत मांगी और मन्नत मांगते ही उनकी क्या हो गई कि एक इच्छा पूरी हो गई। तीसरा है चोर का रोचक किस्सा कि उन्होंने कैसे चोर का हृदय परिवर्तित करके उसे क्या कर दिया, कृषि कार्य में संलग्न कर दिया, कृषि कार्य में लगा दिया। चौथा है, पांचवा है आज़ादी के जश्न में ले जाना, कि लेखिका है वह आज़ादी के जश्न में किस प्रकार नहीं गई और कर्मजोग का जो उपन्यास है उसे पढ़ने में लगी रही। लेखिका के सामाजिक कार्य, लेखिका के सामाजिक कार्य में हम बताएंगे कि लेखिका बागल कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती थी जहाँ लिंग भेद इतना था कि स्वयं पति पत्नी होते हुए भी वो एक दड़बे में नहीं बैठते थे, अलग अलग दड़बों में बैठते थे, और अलग अलग दड़बों में बैठने के कारण लेखिका को ये बड़ा अजीब लगा और उन्होंने एक रंगमंच तैयार किया, अलग अलग अभिनय करवाए, और उसमें पति पत्नी नहीं बल्कि दूसरे जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने भी एक साथ रंगमंच पर अभिनय किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उन्होंने एक स्कूल खोला और उस स्कूल को राज्य सरकार से मान्यता भी दिलवाई। तो ये थे कुछ, एक लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है लेखिका और उसके भाई बहन।
लेखिका का एक भाई था जिसका नाम राजीव था, और उन्होंने क्या किया, और उसकी चार पांच बहनें थी, एक लेखिका और चार बहनें, और उन्होंने क्या किया कि लेखिका और उसकी बहनें सारी किससे हुआ, लेखन कार्य से जुड़ गए, कि उनका भाई है राजीव, वह भी एक समय में क्या हुआ कि लेखन की ओर चला गया। उनकी एक बहन रेणु, अचला और मृदुला तो लेखिका खुद ही हैं। रेणु, अचला, राजीव, ये इन बहनों भाई बहनों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उसमें रेणु के चित्रा, रेणु के बारे में उन्होंने बताया कि वह बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की थी। उन्होंने अपने एक में पल में ही उन्होंने एक लड़के को देखा और निश्चय कर लिया कि वह उससे शादी करना चाहती है। यहाँ तक कि उसने लड़के से भी नहीं पूछा कि वह राजी है या नहीं। उसके इस निर्णय से बहुत लोग भौचक्के, सारे परिवार वाले भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। और उन्होंने दूसरा कि लेखिका को, उनकी बहन रेणु को यदि कोई इत्र भेंट करता था तो वो कहती थी कि मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मैं रोज नहाती हूँ। तीसरा उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में बारिश हुई तो चारों तरफ क्या हो जाता है कि दिल्ली की थोड़ी सी बारिश होते ही दिल्ली के नाले और परनालों में बाढ़ सी आ जाती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। घर वालों के मना करने पर भी कि स्कूल आज बंद रहेगा, अधिक बारिश के कारण स्कूल बंद रहेगा, तो वह नहीं मानी। स्कूल बस नहीं आने के बाद भी वह पैदल विद्यालय जाती है और वहाँ देखती है कि वो स्कूल बंद है। स्कूल का जो चौकीदार रहता है वह भी इस बात को देखकर हैरान रह जाती है और वह वापस पैदल घर आती है। और इसी को कहा है लेकिन कहने कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस तरह लेखिका ने अपने और उसके भाई बहनों का परिचय दिया है। ये है हमारा पाठ मेरे संग की औरतें। देखो पाठ से ही पता चल रहा है कि मेरे संग की औरतें यानी लेखिका के जीवन में किन किन औरतों का योगदान रहा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना नानी, पर दादी, माँ और उस चोर भाई बहनों और लेखिका के स्वयं के जो सामाजिक कार्य हैं उनका वर्णन किया है। तो ये तो था हमारा पाठ। इन सभी जो टॉपिक्स हैं उन पर हमने चर्चा की। इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा हम करेंगे डाउट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।